छोटी सी कटोरी में, तो कटोरी इसमें मैं ले रही हूँ थोड़े चावल, ठीक है। आप चाहो तो चाय पत्ती और चावल को अलग से भिगो सकते हो, पर मैं एक साथ ही भिगो देती हूँ उसको। हल्का सा पानी डालेंगे, कम से कम आधा घंटा इसको हमको भिगोना है। सो फाइनली वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो आपने जो देखा वो मैंने सोक किया है फेस के सफाई के लिए। सो आज मैं लगी हूँ बिल्कुल घर के सफाई के लिए। तो घर की सफाई जो बेसिक डस्टिंग है जो मैं ये यहाँ पे कर रही हूँ, ये तो एवरी डे है, बिकॉज यहाँ पे इतना डस्ट आता है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत डस्ट आता है। एक दिन अगर आप छोड़ दो ना, आपको डस्ट पार्टिकल्स जैसे आंखों से दिखते हैं। तो मैं तो मानसून का वेट कर रही हूँ कि मानसून कब आए, ताकि थोड़ा डस्ट सेटल हो, हर रोज़ मेरे को डस्टिंग ना करना पड़े। डाइनिंग टेबल वगैरह मैं हफ्ते में एक बार सारे मैट्स वगैरह हटा के प्रॉपर क्लीन करती हूँ, हर रोज़ नहीं करती हूँ। ऊपर का जो मैट्स होता है उसको आई यू नो वाइप इट एवरी डे। और ये जो ग्रिल्स हैं यहाँ पे, बाप रे, इनका क्लीनिंग इज सच अ ह्यूज टास्क। और मोस्टली हम सोफे पे बैठते हैं और ये जो विंडो है ना, ये खुला रहता है, जाली लगी रहती है, तो यहाँ से इतना डस्ट आता है ना, एक दिन भी आप नहीं छोड़ सकते ग्रिल्स को। वाइट ग्रिल्स है, वो आराम से दिख जाता है, अगर आप बैठते हो ना आपको वो गंदगी दिखती है। तो इसीलिए ये मेरे डेली रूटीन में हो गया है। तो डस्ट ये जो आप विंडो है, सिर्फ यहाँ का नहीं, मेरे बेडरूम का भी जो विंडो है उसको भी आई हैव टू क्लीन एवरी डे। बाकी रूम्स के मैं विंडो जनरली बंद ही रखती हूँ, जाली मैं खुला नहीं रखती हूँ, शीशा ही बंद रखती हूँ। सो जहाँ खुला रहता है वहाँ पर बहुत डस्ट आता है। एंड दिस टीवी यूनिट, माई मोस्ट ऑफ दी जो मेरा फर्नीचर है ना, इट इज़ डार्क इन कलर, इसीलिए डस्टिंग और ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो बहुत आराम से दिख जाता है। एंड येस, कोई भी दिखे ना दिखे, डस्ट ना रखना ही घर में अच्छा होता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो इट इज़ अ गुड थिंग टू कीप दैट इन योर रूटीन, एटलीस्ट दिन में 15-20 मिनट अगर आप रखते हो अपने लिए ना, तो डस्टिंग आराम से हो जाती है। तो आज मैंने ये जो मेरा राइस डिस्पेंसर है ना, जिसमें सीरियल्स और राइस रखती हूँ, इसको भी बहुत टाइम बाद क्लीन किया। चावल ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा इट वॉज़ द राइट टाइम, तो एक बार क्लीन कर देते हैं इसको, अच्छे से क्लीन करके बाहर धूप में डाल दिया, तो अच्छे से सूख जाता है। कहीं पे पेस्ट वगैरह कुछ रहते हैं ना, धूप में डालो तो वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट बैच के लिए आपका डब्बा इज़ रेडी। और ये आर्टिफिशियल फ़र्न मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था, तो मैं सोच रही थी इसको घर के अंदर रखूँ कि बाहर, अब तो घर के अंदर रियल प्लांट्स आ गए हैं, तो इसको मैंने सोचा बाहर ही रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे धूप बहुत आती है, काफ़ी सारे प्लांट्स यू नो टिकते नहीं है, तो उसको बाहर रख दिया और वो बहुत सुंदर लगता था लग रहा था। एंड दिस क्लीनर, थैंक यू सो मच, मैं हर बार आपको बोलती हूँ, इससे बहुत अच्छे से सारी क्लीनिंग होती है। वॉश बेसिन मेरे घर में पता है गिन के चार हैं, मतलब तीन बाथरूम जब हमने देखे ना, वी वर सो हैप्पी कि अभी चलो बहुत सारे बाथरूम हैं, कोई इशू नहीं आएगा। पर दिमाग में तब ये नहीं आया था कि क्लीनिंग भी उतनी ही हो जाएगी, चौगुनी। सो तीन बाथरूम के तीन वॉश बेसिन और प्लस ये बाहर का जो कॉमन बेसिन है, तो इट इज़ लाइक कम्प्लीटली फोर बेसिन दैट आई हैव टू क्लीन। सो ये जो शीशे है ना, ये बहुत ज़्यादा ना पानी के निशान आते हैं, सो तो मैं इसी से क्लीन करती हूँ। ये क्लीनर काफ़ी अच्छे से सारे शीशे क्लीन कर देता था। थैंक यू सो मच, मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बताया था, आप ही मेरे से फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पर आई बॉट दिस एंड दिस इज़ रियली गुड। सो मैं जनरली क्या करती हूँ ना, ऐसा पुराना जो स्क्रब होता है ना, जिससे मतलब खरोच ना आए, वो लेती हूँ, हल्का सा आई पुट दिस, ठीक है, CIF। तो आप ये मिरर वगैरह क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा पानी से इसको डैम्प कर लेंगे एंड देन जस्ट रब इट, लेट मी शो यू दिस साइड। ये स्टील के जो हैंडल्स वगैरह हैं, इतने अच्छे से चमक जाते हैं ना, जस्ट क्लीन इट लाइक दिस। और इसके बाद आप स्प्रे मार दो, पानी मार दो, You're gone now, will you call me back? Yeah, I know that, yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. At my condition, अभी मेरा मन कर रहा है नहाने का, बट मैंने ना दही और फेस के लिए स्क्रब बना के रखा है, तो अभी मैं चेंज करूँगी, फटाफट पूरा गीला हो गया। एंड मेक श्योर टू यूज़ ग्लव्स, मैं हर बार यू नो शॉर्टकट मारने के चक्कर में कि थोड़ा सा ही करती हूँ, अभी आज पूरा नहीं करूँगी, पर आई गेट इन टू दैट, और फिर ग्लव्स पहनने का मन नहीं करता। मेक श्योर यू वेयर ग्लव्स और आंखों का ध्यान रखना। सो ये देखो काफ़ी, अभी ये सब ना मुझे समेटना है, आई एम सॉरी, ये सब वॉश टॉयलेट वगैरह दिखाने के लिए, बट कांट हेल्प इट। अभी ये सब ना बाहर रखा है क्योंकि मैंने आज पूरा ये टॉयलेट साफ किया है, अंदर के भी वॉशरूम के मैंने ये शीशे और वॉश बेसिन वगैरह सारा साफ किया, तो अभी सब सूखने को डाला है सारे बाथरूम। सो ये देखो कितने अच्छे से ना सारे स्टेन्स वगैरह निकल गए हैं, बट यहाँ पे आई कुड नॉट रीच प्रॉपरली, तो मे बी सुभाष का लास्ट समडे। तो अभी फिलहाल ये देखो पूरा ना काफ़ी क्लीन हो गया है, लुकिंग वेरी नीट। तो चलो अभी पहले मैं इसको चेंज करती हूँ, हाथ मुँह अच्छे से धोती हूँ दही और फेस पैक लगा के, फिर आराम से थोड़ी देर बैठती हूँ। फाइनली अनन्या गार्बेज बैग्स लगा दिए,
पूरा कचरा वचरा सब बाहर फेंक के आई मैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बालों में लगा लेंगे कम से कम एक घंटा। तो ये इस हिसाब से उसको बस बालों में लगा लेंगे। आपको लगाना है दही अनाज? नहीं लगाना। क्या बोल रहे हो आप भाई? तुझे कितना पैनकेक चाहिए बाबा? ये लड़की को ना पैनकेक खाना खत्म ही होता है इसका, सच्ची। उसको हर दो घंटे में छुट्टी के दिन भूख लग जाती है, और भूख में भी क्या खाना है, सिर्फ पैनकेक। अनन्या जब लेट होता है ना, सब कुछ लेट हो जाता है, अनन्या को पैनकेक भी खाना है। और आज मैंने मछली भी मंगा ली, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी मछली ना, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे मिलते नहीं थे, फाइनली आई गॉट दिस। और ये सब इग्नोर मारो, आज मैं बहुत ही डिस्गस्टिंग कंडीशन में हूँ। आना प्लीज। सो ये सब यहाँ से ना, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप दही लगाते हैं, देखो सी एंटरटेनमेंट। सो बेसिकली जब आप दही लगाते हैं ना सर पे, मैं जल्दी उसको रख देती हूँ छानने के लिए, मतलब छन्नी वगैरह पे, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। सिर्फ जो क्रीम क्रीम है ना उसका, उसमें तेल लगा करती हूँ, तो इतना पानी नहीं टपकता है। आज हरी में वो सब ध्यान नहीं रहा, एंड वैसे ही मैंने घोल लिया तो बहुत ज्यादा पानी टपकता है, तो गले पे कुछ कपड़ा वगैरह या फिर टावल लगा लो। सो मैंने ना ये फिश मंगाई है, मतलब बहुत टाइम से मुझे ना छोटी छोटी फिशेस खाने का मन कर रहा था। सो ये मंगाई है, दिस इज सार्डिन, बेबी सार्डिन जो होते हैं छोटे, सिल्वर फिश करके। सो वो, सो आई थिंक आफ्टर एन एरा आई एम गोइंग टू हैव दिस, आई एम रियली एक्साइटेड। और मुझे आराम से शांति से बैठ के खाना था, बट आज आई डोंट नो मेरे को क्या चढ़ा कि चलो क्लीन करें, क्लीनिंग हो गई, और कम्प्लीटली आई एम टायर्ड। अब रहने के लिए पैनकेक बनाती हूँ, फिर ये फिश बनाती हूँ। वैसे ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ नमक तेल और उसमें ना हल्का सा हल्दी वगैरह डाल के तेल में जस्ट फ्राई करना है चावल। और ये भी अच्छे से सोख हो गया है, तो इसको भी ना मैं थोड़ी देर में पीस लूँगी, पहले अन्य का सॉर्ट करते हैं। Keep talking forever, then I don't get where this thing goes. So sick of waiting for nothing, when all I want is to hold you close. And all my stupid friends try to. Please start looking for. So here are your pancakes. Jo. And. वो एंजॉय कैन सर्वाइव ओनली ऑन पैनकेक ना, सुबह दोपहर रात शाम कभी भी दे दो, शी इज ऑलवेज रेडी फॉर दैट। खाना टीवी का आवाज कम करो। तो यहाँ पे मैंने ना सरसों का तेल लिया है, तेल थोड़ा सा ज्यादा ही लेंगे वरना फिश चिपक जाएंगे आई थिंक। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। सो ये है लाल मिर्च और जीरा, सिंपल ही रखा है मैंने इसको, मैं डाल देंगे जो हमारा फिश है जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको मैं डाल देंगे। ऐसे आटा वो पूरा ही डाल देती हूँ, पता नहीं सही है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए था, फिर पूरा डालना है लस्सी। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा अच्छे से, कभी एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो इसको हम फ्लिप करके दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ऐसे जो छोटी फिशेज है ना बहुत सारी आती है, पोना मोरोला ये सब कुछ, तो मतलब बंगाली में मुझे पता है, बट ये मुझे सार्डिन का आइडिया नहीं है, बट फोटो देख के मुझे सही लगा, और मम्मी पापा को मैंने फोटो भेजा कि ये सही है क्या, मंगा के देखूँ क्या कैसा बनता है, तो मैंने कम ही मंगाया है, लेट्स सी कैसा होता है, अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट टाइम एक ही ज़्यादा मंगाऊंगी। इसका झाल भाजा भी बनता है, मतलब फिश फ्राई करके अलग से आप ग्रेवी बनाते हो मसाले वाली थिक ग्रेवी, और उसमें भी आप इसको फिर डालते हो, बट आई एम लाइक मेरा मन बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे ना सिंपल फ्राइड फिश की। इसके जो बोन्स होते हैं ना, क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं, और अच्छे से जब आप उसको कुरकुरा करके फ्राई करते हो ना, तो जो बोन्स है उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको च्यू कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा वो हो जाता है, फ्राई हो जाता है, तो क्रंच आ जाता है उसमें। सो लेट्स सी, तो ऐसे ना टूट रहे हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज रॉन्ग, बट होपफुली एट दी एंड ना खाने लायक हो बस। तो फाइनली फिश जो है वो बन गया है, आप देखो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो गया है, जो अलग बात है कि खिचड़ी बन गई है इसकी, पूरा टूट गए हैं, बट आई थिंक खाने के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको दो सेकंड और करूँगी ताकि थोड़ा सा और ये जो छोटे पीसेज है ना वो भी ब्राउन हो जाए, बहुत टेस्टी लगता है। आई एम श्योर जो वेस्ट बंगाल साइड से या फिर यू नो केरला वगैरह साउथ इंडियन साइड से मुझे देख रहे हैं वो अग्री करेंगे, बहुत टेस्टी होता है। सो फाइनली दाल चढ़ा दिए यहाँ पे, दाल बनने वाला है, अब मैं लगाऊंगी अपना फेस स्क्रब जो है। तो इसको जल्दी क्या होता है, चावल में पहले अलग से भिगो देती थी और चाय पत्ती अलग से, चावल को पीस के थोड़ा दरदरा करके पीसना होता है, और चाय पत्ती का पानी निचोड़ के उसमें डाल के फिर पैक बनाती थी, बट इवेंचुअली आई हैड स्टार्टेड डूइंग दिस कि एक साथ सब भिगो दो और मिक्सी में घुमा लो, पानी थोड़ा कम रखना वरना बहुत ज्यादा वैसा नहीं होता है। सो मेरा स्क्रब जो मैं फॉरेस्ट एसेंशियल का यूज करती थी खत्म हो गया है, तो अभी एक महीने से ना आई एम मेकिंग स्क्रब लाइक दिस ओनली। और स्क्रब आपको करना चाहिए एटलीस्ट वीक में वंस, तो जिससे आपके डेड सेल्स जो है वो निकल जाते हैं, पोर्स जो है ना वो क्लीन हो जाते हैं,
और मेरे बाल और मेरी स्किन ना जब वो मेरी तबीयत खराब हुई थी ना उसके बाद से बहुत खराब हो गया है। वो स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक काफ़ी कुछ चला था ना, तो उसके बाद से स्किन भी मेरे को ना बहुत ऐसा मतलब जैसे मेरी स्किन है वैसी काफ़ी खराब हो गई और मेरे बाल भी यू कैन सी बहुत ज़्यादा अभी रफ रफ से मुझे फील होते हैं। चलो एनीवेज सो कमिंग बैक टू दिस, तो ये ऐसा है अभी इसको सिर्फ मिक्सी में डाल के हमको पीसना है, थोड़ा दरदरा रखना है बिकॉज दिस इज अ स्क्रब तो आपको वो पीसेस फील होने चाहिए। सो मेरा भी थोड़ा सा आज पतला हो गया है क्योंकि अभी इसमें हम ना थोड़ा सा हनी भी डालेंगे। नीचे ना मैंने एक पेपर बिछा लिया है ताकि सारा जो है स्क्रब का पार्टिकल वो नीचे गिरे, और थोड़ा सा पतला हो गया है इसको ना, आप पानी बिल्कुल कम ही रखना और ये ऐसे हम लेंगे हाथ में और ऐसे ना इसको स्क्रब करेंगे अच्छे से, जो हमारे डेड सेल्स हैं ना वो पूरे निकल जाएंगे, सब से प्रॉपरली स्क्रब करेंगे। कम से कम एक दो मिनट तक आप इसको अच्छे से अपने गालों पे, हाथों पे, एल्बोज पे, अगर आप नहाने जा रहे हो थोड़ा सा लेके जाओ, नहाते हुए नीज वगैरह पे भी ना सारे डेड सेल्स निकल जाते हैं। और जब आप फेस वॉश करोगे ना तो आपको खुद से दांत स्मूथ वाली जो फीलिंग आती है ना वो फील होगी, तभी ट्राई करके देखना और मुझे पक्का बताना मेरी स्किन जैसे। तो ये बहुत अच्छा है, तो इसको अच्छे से स्क्रब करके फिर वाइप करके फिर इसी को एज अ फेस पैक हम ऐसे ऐसे पैक करके लगा लेंगे, 10-15 मिनट रखेंगे उसके बाद फिर वॉश। सो बेसिकली जो चावल है ना वो हमको सबको पता है कि कितना अच्छा होता है, प्लस जो हनी होता है वो ह्यूमेक्टेंट होता है, तो बेसिकली वो मॉइस्चर टैप करता है। और चावल ये राइस चाय पत्ती में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं तो दे आर टू गुड। तो मैं अच्छे से रब करूँगी, लेट मी गो टू द बाथरूम तो वैसे पता चला हो रहा है। सो मैंने ऐसे टैप टैप कर करके पूरा फेस पे लगा लिया है। आज मैं आपको बहुत गंदे उसमें दिख रही हूँ पूरे व्लॉग में, बट क्या करूँ, मतलब ये दिखाना है तो ये दिखाना ही पड़ेगा। सो अच्छे से आप इसको प्रॉपर टैप कर लीजिए और 10-15 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए, और जब ये ड्राई हो जाएगा ना इसको ऐसे रगड़ रगड़ के क्लीन इट अप। नहा के इतना अच्छा फील हो रहा है ना मेरा, इतने देर से ऐसा लग रहा मैं कब नहाऊं। सो स्किन ना ऐसी बिल्कुल सॉफ्ट सी, ऐसे सपल सी फील होती है ना जब भी स्क्रब करता हूँ, स्पेशली ये वाला स्क्रब जो होममेड है बहुत अच्छा होता है। सो उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर लगाओ क्योंकि आपके स्किन पूरा यू नो इट हैज गॉन थ्रू दैट, और उसके बाद सनस्क्रीन मेक श्योर आप लगाओ सो दैट आपका स्किन जो है वो ना डैमेज ना हो स्क्रबिंग के बाद, मेक श्योर ऑफ दैट। और प्रेजेंटली मैं जो क्रीम यूज कर रही हूँ ना ये है फ्रॉम बायोडर्मा। सो अमेजोन पे बहुत अच्छा सेल चल रहा है राइट नाउ, वार्डरोब रिफ्रेश सेल, आई थिंक इट इज फ्रॉम 1st to 5th of June। सो बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, मैं वापस एक और मंगा लिया वहां से टू स्टॉक अप, तो उनके साथ कुछ लेने का सोच कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। मैंने एक दो चीजें और मंगाई, रुको आपको दिखाती हूँ। इट्स लुकिंग सो नाइस ना, बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया स्किन। सो सनस्क्रीन तो आपको पता ही है मैं कौन सा यूज करती हूँ, मैंने लास्ट मंथ ही मंगाया था, बिल्कुल नया ही बॉटल है। सो इसका भी मैं लिंक दे दूंगी। हाँ बाबू ये ना बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब आई डोंट नो मैं कितने बार इसको इसकी तारीफ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे से कास्ट तो छोड़ो बिल्कुल एक ग्लेज लेके आता है फेस के ऊपर, बहुत अच्छे से ना अब्सॉर्ब हो जाता है। क्या बोल रहे हो ना, कुछ बोल रहे थे आप? आ रहे भी लंच खाएंगे, भूख लगी है ना। रिसेंट कुछ मेरे फेवरेट परचेजेस भी आपको बता देती हूँ, ये मैंने मंगाया अभी तक आया नहीं है। दिस इज वेरी गुड नाइट क्रीम, कुछ नाइट क्रीम बहुत थिक होते हैं बट दिस वन इज परफेक्ट, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना मेरे को, आई लुक फॉरवर्ड रात को ये लगाने के लिए। तो मेक श्योर यू नो आप अगर 25+ हो तो यू हैव अ गुड नाइट क्रीम विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर एंटी एजिंग। नेक्स्ट मैंने आपको बोला मेरे बाल मतलब जब से वो दवाई वगैरह चली है ना दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, ये मुझे बहुत पहले एक बार ब्रांड से आया था उसका मैंने एक शॉट भी डाला था तो वो खत्म हो गया था, तो मैंने वापस से मंगाया है। तो मैं और सुभाष दोनों यूज करते हैं, सुभाष को आपको पता है लंबे लंबे बाल चल रहे हैं सुभाष के अभी, तो ही ऑल्सो यूजेज इट। खुशबू बहुत प्यारी सी इसकी, बालों में जस्ट हल्का सा लगाओ एंड वो जो फ्लायर्स दिखते हैं ना काफी हद तक दे आर इन कंट्रोल। नेक्स्ट इज दिस माय फेवरेट, मतलब क्या बोलूं मैं, आई थिंक 12-13 साल हो गए हैं आई कम बैक टू दिस प्रोडक्ट। इसका पहले पैकेजिंग ना ऐसा था, ठीक है इस हिसाब से था, बट अभी इसका पैकेजिंग दे हैव चेंज, तो ये मूस फॉर्म में आता है तो दिखाती हूँ। और आपका फाउंडेशन और कंसीलर ये सब कुछ आपको लगाने का मन नहीं करता ना एकदम से, एक प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए लगाओ और निकल जाओ, दिस इज दैट प्रोडक्ट ऐसा, ठीक है ऐसा बिल्कुल मूस फॉर्म में आता है। मैं फेस पे लगा के तो नहीं दिखाऊंगी अभी, जस्ट मैंने क्रीम लगा, मैं हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, हल्का सा बिल्कुल ऐसा, ठीक है हल्का सा आप ऐसा लो, मेरा जो शेड है दैट इज वॉर्म वो है, हल्का ऐसा लगाओ
एंड देन आप इसको ना इस हिसाब से करो, ये पूरा ब्लर कर देता है. आई थिंक फोकस नहीं हो रहा है, वेट जस्ट अ सेकेंड. सो ये पूरा इसको ना पार्ट को बिल्कुल स्मूथ और ब्लर कर देता है. सो आई रिमेम्बर मानस की शादी में, मानस को भी मैंने ये लगाया था, मैंने भी ये लगाया था. इट इज दैट ओल्ड दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस. बहुत अच्छा है. आई मीन कभी ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. बहुत स्मूदन आउट कर देता है स्किन को. आई मीन मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूं बहुत बट एक्चुअली दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट. तभी मतलब कब से लेके अब तक मेरा प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, इसके ऊपर आ गया. तब से लेके अब तक आई एम कंटिन्यूइंग, खत्म होता है परचेज. मैं मतलब मन करता है ना कभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई करने का, तो मैं करती हूँ दूसरी चीजें. बट देन समवेयर आई कम बैक टू दिस. जस्ट मेरे मेकअप में आई लव डूइंग मस्कारा, और मस्कारा की कोटिंग ना मैं कम से कम 3-4 लगाती हूँ. और ये मस्कारा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा. तो मैंने इसको वापस से परचेज कर लिया है. दिस इज फ्रॉम मेबेलिन. सो इसका भी मैं लिंक दे दूंगी. काफी अच्छे प्राइस पे इस टाइम पे मिल रहा है अमेजोन पे, तो डेफिनेटली परचेज कर लेना. वन ऑफ दी फेवरेट, आई जस्ट लव दिस मस्कारा. तो कहीं पे भी मैं जाती हूँ ना, कुछ मेकअप अगर नहीं भी है, हल्का सा ये लगा लो फेस पे, लिप जो आपका लिपस्टिक है वो लगा लो, उसको डैप डैप कर लो यहाँ पे हल्के से आईज के ऊपर, एंड मस्कारा एंड यू आर सॉर्टेड. तो इन सबके लिंक्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली फायदा उठाओ अमेजोन सेल का, काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है. और ये जाएगा अरण्या को, और अरण्या बताएगी फर्स्ट टाइम कैसा लगता है. और माँ के हाथों से तो और टेस्टी होना चाहिए. गया भी तो टेस्ट, नमक ठीक है, मैंने नमक ट्राई टेस्ट नहीं किया एक भी. मस्त ऐसा फील लग रहा, लाइक फ्रेंच फ्राइज है पर चिप्स है, आई मीन फिश है. हाँ ओके, चलो खाते खाते बात मत करो. सॉरी मैंने आपको बुलवाया, आने के मुँह से निकला ऐसे पट करके. इतना मस्त बनाया ना, मुझे इतने दिनों से इतनी क्रेविंग हो रही थी खाने की, मिल ही नहीं रहा था, फाइनली मिला. और भूख भी इतनी तेज लगी थी ना, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर लंच, है ना अन्या. ओके चलो बंद करो. सो लंच हो गया है, मन तृप्त हो गया मेरा भी, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी. फिर हमको जाना है शाम को, हाँ इन्हें के साथ मूवी डेट है मेरी. सो काफी मूवी आई हुई है, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इन्हें को लेके जाऊंगी, समर वेकेशन है, समर वेकेशन लेके जाऊंगी. फाइनली आज बुक किया है, तो शाम को चलेंगे अपन, जस्ट मी एंड अनन्या. हाँ इवनिंग हो गई है फ्रेंड्स, इवनिंग की चाय, चीयर्स. उस भी चाय पीने वाली हूँ, और थोड़ी देर में भी रेडी होके हमको निकलना है. अनन्या गई है डांस क्लास, उसको भाई बोला है भाई डांस क्लास के बाद सीधा आ जाना, बिकॉज उसके बाद निकलेंगे. तो 8:15 की हमारी मूवी है, सो निकलेंगे अभी थोड़ी देर में. अभी अराउंड हो रहे हैं 6:30. Cheers. चलो चाय पीते हुए मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो बेसिकली एक कमेंट मुझे बहुत पहले आया था, तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया था. आई फॉरगॉट, मे बी आई थॉट आई विल राइट इट, बट ऐसे कमेंट का रिप्लाई करना लिख के इज वेरी टफ. तो उनका वापस से सेम कमेंट आया है, तो उन्होंने लिखा है आफ्टर बेबी देयर इज इशू इन हस्बैंड एंड वाइफ बिकॉज ऑफ इन लॉज, व्हाट टू डू. इन लॉज ट्राई स्नैचिंग माई बेबी एंड स्पॉइल दी हैप्पी फैमिली लाइफ एंड डूइंग मैड थिंग्स टू बेबी, देन व्हाट शुड आई डू. एंड मदर इन लॉ टॉर्चर्स व्हेनेवर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्या बोलना क्या चाह रहे हो, टचर्स है कि टॉर्चर्स है. व्हेनेवर शी कम टू मीट द बेबी बाय टॉकिंग शी टचर्स इफ आई इग्नोर मल्टीपल टाइम्स देन व्हाट डू आई डू, प्लीज रिप्लाई. सो मुझे इनका क्वेश्चन जनरली समझ में नहीं आया, बट आई थिंक जो ये बोलना चाह रहे हैं शायद सी ये एक क्वेश्चन है, ये एक सिचुएशन है. आई थिंक जितना भी हम बोले, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ वुमेन फेस दिस. सो आई डोंट नो हाउ टू रिप्लाई, बट आई वुड से वॉट आई वुड से इज इस टाइम पे आप ना बहुत डिप्रेशन में रहते हो, डिप्रेसिंग फेज होता है. काफ़ी लोग गोस थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो उस टाइम पे ना कोई अगर आपको सेकेंड पर्सन आप कोई आता है आपके फैमिली में, अगर वो सपोर्ट की जगह आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उनको क्लियरली मैंशन करो अच्छे तरीके से कि यू नो जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया था, तो वो चीज़ हो गई है. सो आई थिंक यू नो थैंक यू वेरी मच. अभी यहाँ से हम वी कैन टेक केयर ऑफ आर सेल्फ, और यहाँ से हम खुद देख लेंगे बच्चे को, कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे. तो इस वे में आप इनडायरेक्टली उनको बोल सकते हो. बाकी ये इशूज़ आई थिंक काफ़ी लोगों को फेस होती है कि जब आप हेल्पिंग हैंड्स बुलाते हो, वो हेल्प करने की जगह यू नो इट गोज दी अदर वे राउंड. तो ऐसे इन लॉ से रिलेटेड मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्टली आई इग्नोर बिकॉज आई डोंट स्टे विद देम, सो यू नो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर. और देर आर मेनी थिंग्स विच हैपन्स, मुझे आते हैं कि आप कुछ करते हो क्या फैमिली के लिए, क्या क्या करते हो. सो देखो बहुत कुछ करते हैं हम लोग. काफी बार होता है कि पीपल डोंट अप्रिशिएट वॉट यू डू,
ऐसा होता है कि आप करते रहते हो बट देन काफी बार यू नो पता नहीं चलता है, लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली यू नो काफी लोग काफी चीजें कर रहे हैं काफी लोगों के लिए. मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दैट, पर जस्ट दैट कि येस वी डू अ लॉट. पीछे भी बहुत बड़ा एक इंस्टेंस हुआ था, सुभाष आपको याद है, एकदम से दिल्ली गए थे तो हमारे इंडोर्स का जो पूरा घर उसमें क्रैक्स आ गए, तो पूरा घर तोड़ के बनवाना पड़ा था. फाइनेंशियली यू कैन अंडरस्टैंड कितना स्ट्रेन आया होगा. तो मेरी काफी सेविंग्स थी जो मैंने काफी चीजों को सोच सोच के रखी थी, तो वो उसमें गया काफी चीजें सुभाष की भी. तो लेट अस नॉट गो इन टू दैट. तो येस वी ऑफ कोर्स डू अ लॉट बट येस देर आर इशूज, सब जगह होते हैं तो है इशूज, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दैट. बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ, सी एट दिस एज ना मुझे ऐसा लगता है कि पिछले टाइम में जो मानसी थी शी यूज टू लिसन टू थिंग्स, इग्नोर, क्राई, फील बैड, बट आज की डेट में आई डोंट डू दैट. जो मेरे मन में है आई क्लियरली मैंशन इट और इन अ वेरी सटल, जितना सटल हो सकते हैं उतना, तो वही मैं आपसे बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि ओवर द टाइम आपके आपका हस्बैंड का रिलेशन, आपके बच्चे का रिलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द रिलेशन फॉर यू. बाकी सभी रिलेशन्स हैं बट देन अगर यू नो कोई चीज आपके इस रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है तो बेटर टू यू नो टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स, अपने हैंड में लेके डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ. सो दिस इज वॉट आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से उनको बताइए कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लगेगा तो आपको वापस बुलाएंगे. सो ये मैं आपको रिप्लाई देना चाहूंगी. बाकी आप में से फ्रेंड्स में से किसी और के पास कोई और सजेशन है इनके लिए तो definitely you know write it in the comment section. So finally all ready. देखो सारे switches, देखो सारे switch वगैरह बंद करो, off करो. So अभी just cab book करिए. क्या आवाज आ रही है? Check करो जो. So just cab book करिए. Cab is on the way. तो सुभाष actually car लेके गए हैं office. तो इसीलिए हम ड्राइव नहीं कर पा रहे. तो रैपिडो ऐप आई डोंट नो आप में से काफी सारे फ्रेंड्स ने यूज किया है कि नहीं किया है. So क्या हुआ? क्या हुआ? सो जब भी रैपिडो से बुक करते हो ना तो काफी इजीली बुक हो रहा है सो फार. सो जब भी कोई एप्लीकेशन नहीं आती है ना, बेस्ट सर्विस होती है तो बेस्ट टाइम उसको यूज करो. तो जितनी बार भी हम अभी कहीं जाते हैं तो हम रैपिडो से ही करते हैं. और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है. अच्छा अनन्या दिखा ले पहले, अनन्या ने क्या पहना, दिख लो भाई. अनन्या अपनी मर्जी से पहनती, मेरी सुनती नहीं. मैंने बोला कुछ ब्राइट पहन, मैं इतना ब्राइट पहना है. मैंने ये टॉप पहना है, दिखा दो. और ये लूज सा बिल्कुल ऐसा पैंट पहना है. मुझे आजकल ऐसे लूज लूज से पैंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. देखो कितना दिखा, 5 मिनट. कैब कैब 5 मिनट दिखा, 3 मिनट है. चलो चलते हैं, चले अनन्या. सो फाइनली हम पहुंच गए फीनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम में. और अनन्या के साथ जब भी मैं यू नो कुछ भी ऐसा प्लान करती हूँ बहुत अच्छा लगता है. एक मदर डॉटर जो डेट होता है ना, आपको पता है कि मैं बहुत बार अनन्या को ऐसे लेके जाती हूँ. सो यहाँ पे ये ना फ्लेमिंगोस बड़े सुंदर लग रहे थे. सो फाइनली हम पहुंचे अंदर. अनन्या वो सुपर एक्साइटेड. क्यों? क्योंकि अंदर एंटर होती है इंटरमिशन नहीं, हम पहले ही पॉपकॉर्न ले लेते हैं और हम बड़ा वाला पॉपकॉर्न लेते हैं. हम खा पाए कि हम नहीं खा पाए वो अलग बात है. नाचोज, इतना बड़ा पॉपकॉर्न, माई गॉड. और ये ना किडल्स करके जो यहाँ पे है आईनॉक्स में, अमेजिंग है बच्चों के लिए. डेफिनेटली अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, लेके जाना वहाँ पे. बाहर प्ले एरिया है वेटिंग के वहाँ पे, और अंदर जाते ही इट वाज लाइक ना फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि थिएटर के अंदर दे हैव दिस लंबा सा, आप देख रहे हो ऊपर से नीचे तक स्लाइड. तो मूवी होने से स्टार्ट होने से पहले अनन्या ने खूब इन्जॉय किया, यहाँ पर खूब स्लाइड किया. मतलब आई डोंट नो, हमने कभी बचपन में मतलब थिएटर्स ही इतना कम जाते थे. आज तक इतने थिएटर्स देखे भी हैं बट देन फर्स्ट टाइम ऐसा थिएटर देखा जहाँ अंदर ऐसा लंबा स्लाइड था. तो अनन्या के लिए भी ये बिल्कुल डिफरेंट था एंड शी वाज सो हैप्पी ये देख के. और कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए उन्होंने, और फ्रेंड्स भी मतलब वो एक बच्चा था वो भी ऐसे बुला रहा था अनन्या को, नाम लेके नहीं, फ्रेंड कम हियर, फ्रेंड कम हियर. सो इट वॉज वेरी क्यूट. कितना सही होता है ना बच्चों का, बिल्कुल मतलब ऐसे इतनी जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं. सो वही अनन्या की यहाँ पे चल रही है मस्ती. हम गए थे गाफिल मूवी देखने के लिए, तो मूवी वॉज वेरी स्वीट. सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं निकालना है. सो अगर आपके पास टाइम है 1.5 घंटा तो डेफिनेटली टेक योर केयर, यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट. काफ़ी अच्छी मूवी हमने साथ में एन्जॉय करी, पॉपकॉर्न खाया. और फाइनली मूवी खत्म हुई तो ये लाइट ऑन हुआ, तो मैं आपको ये देखो अभी ठीक से दिखा पा रही हूँ कैसा था ये थिएटर. थोड़ा छोटा है बट देन इट इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर किड्स. चारों तरफ जो आप देख रहे हो ना सारा डेकोरेशन वॉज कम्प्लीटली फॉर किड्स एंड वी रियली एन्जॉयड. और मजा मूवी देखते देखते स्लाइड करने का मजा ये लगा. मूवी देखो और स्लाइड करो. चलो फ्रेंड्स वापस आ गए. और अनन्या को ऑटो का पता नहीं क्या शौक है, मेरे बाल ऐसे उड़ उड़ के पूरे ऐसे झाड़ बन गए हैं. अरे कैब मिल रही थी ना अनन्या को, ऑटो का ज्यादा क्रेज है, जाते हुए भी कैब किया तो कितनी मुझे ऑटो बैठना है.
पेट काट काट के बचा बचा के सुभाष के लिए हम पॉपकॉर्न लेके आए हैं। ऐसा नहीं है, प्यार से लेके आए हैं तुम्हारे लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो बेसिकली हम देखने गए थे गारफील्ड मूवी, आई डोंट नो बताया कि नहीं बताया, सो इट वाज वेरी नाइस। पक्का मतलब अगर बच्चे हैं तो लेके जाओ, दे विल एंजॉय इट। गारफील्ड तो अगर आपके पास कैट है तो बहुत रिलेटेबल मूवी है। और गारफील्ड के ना वो कैरेक्टर्स हमने हमेशा न्यूज़पेपर में देखे हैं, गारफील्ड को बोलते हुए सुनना वाज लाइक कि अच्छा इट इज अ कैरेक्टर, ऐसे बात करता है करके। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सुभाष ने स्टार लाइट्स ऑन नहीं किए, सुभाष बिना स्टार लाइट के अधूरा लगता है घर। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, गुड नाइट एंड बाय।